ऑल राइट गाइज, यार कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस कमाल के वीडियो पे। एंड हमारे पास है गाइज यहाँ पे एक तरफ महिंद्रा की कार्स एंड दूसरी तरफ हमेशा की तरह टोयोटा की कार्स, बट यहाँ पे छह छह गाड़ियाँ। थोड़ी देर में जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं यहाँ पे फोर्ड की गाड़ियाँ, स्विफ्ट सुजुकी की गाड़ियाँ, मतलब जो भी बाकी गाड़ियाँ आप लोगों की फेवरेट है, लैम्बोर्गिनी, यूरस, थार वैगन, जी वैगन, उन लोगों का ऐड कर दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो पे होने क्या वाला है, देखो हम लोग को करना क्या होगा, वाटर लेवल टेस्ट करना है गाइज। यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है, जो गाड़ी यार ज्यादा डीप पानी में घुस पाएगी वो होगी विनर। ये आप देख रहे हो यहाँ पे कम गड्ढा है, ज्यादा गड्ढा नहीं है। उसके बाद सेकंड वाला लेवल आएगा जो कि भाई यहाँ पे देखो फीट भी लिखा हुआ है, ये 10 फीट गड्ढा है यहाँ पे। फिर उसके बाद आएगा 20 फीट गड्ढा, ठीक है ये आप देख सकते हो, ये वाला 20 फीट है, लाइक ये वाला भी 10 फीट है, थोड़ा सा नीचे, बट ये वाला जो है ये सबसे ज़्यादा है। एंड उसके बाद एक और आएगा जो कि 30 फीट है, तो यार ये तो और ज़्यादा ही गड्ढा है, देख लो 30 फीट तो और ज़्यादा गहरा है। एंड लैंड माइंड भी लगा हुआ है भाई, यहाँ से अगर थोड़ा टकरा गए तो फट सकती है गाड़ियाँ वहीं पर। फिर आएगा भाई साहब सबसे ऊँचा यहाँ पे 45 फीट, जो कि भाई साहब देखने में काफ़ी कम सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गड्ढा है, देख लो भाई कितना ज़्यादा गड्ढा है यहाँ पे। फिर आएगा यहाँ पे 55 फीट, जो कि भाई साहब ज़्यादा कुछ नहीं है, बट हम लोग को बस यहीं तक आना है, ठीक है। तो जो गाड़ी यहाँ तक सर्वाइव कर लेगी वो गाड़ी बन जाएगी भाई द बेस्ट वाटर लेवल क्रॉस चैलेंज गाइज, वन ऑफ द डिफिकल्ट चैलेंज होने वाली है अब तक की मेरे चैनल की, क्योंकि यार मैंने ये सब चैलेंज को करना छोड़ दिया था तकरीबन 4-5 महीने पहले, क्योंकि ये सब यार बहुत लोग करते रहते हैं, मैंने कुछ अलग करने की ठान ली थी उस समय। तो यार आज मैं दोबारा से ये चीज़ करने वाला हूँ, एंड इस बार हमारे पास नई नई गाड़ियाँ हैं, जैसे कि हिलक्स है, लेजेंडर है, उस समय तो भाई मेरे पास सुपर कार्स ही खाली थी। एंड आज के डेट पर हम लोग यार 60,000 सब्सक्राइबर, या फिर आप कह सकते हो डेट्रैक्स फैमिली क्रॉस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके डेट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया डेट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन कर लेने के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 60,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन कंप्लीट कर चुके हैं। तो यार यहाँ पे 60 पे नहीं रुकना है, हमें 1,00,000 हिट करना है यही नवंबर खत्म होने से पहले। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके डेट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लो। तो चलो गाइस यार गाड़ियों को अब टेस्ट किया जाए, लेट्स गो। सो पहले यहाँ पे ट्राई करते हैं भाई महिंद्रा की गाड़ी से, तो यहाँ पे है बुलेरो 2020 एडिशन, भाई देखते हैं क्या होता है। पहले यहाँ पे तो ज़्यादा पानी हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल फिट है, एंड ये है 10 फीट, जो कि भाई किस्मत था पानी नहीं है। एंड यहाँ पे ऊपर चढ़ना है, ओके गाड़ी अच्छा खासा फूरती भाई 20 फीट, ओ भाई साहब यहाँ पे गाड़ी पूरी डूब की निकल रही है। एंड भाई साहब बुलेरो का तो गेम ओवर, 20 फीट में ही सिर्फ और सिर्फ हो चुका है भाई, बहुत जल्दी यार यहाँ पे मतलब यार बुलेरो हार मान ली, लाइक लिटरली भाई मुझे लगा था आगे तक जाएगी, बट यहाँ पे बुलेरो का बहुत जल्दी यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है। एंड यहाँ पे महिंद्रा ने एक पॉइंट खोल चुका है, चलते हैं टोयोटा की कार को ट्राई करते हैं। अब बारी आ जाती है गाइस यार टोयोटा की तरफ से आने वाली फॉर इनोवा क्रिस्टा, एंड ये टॉप मॉडल इनोवा क्रिस्टा है जो कि अभी अभी 2022 में लॉन्च हुई है। देख लो भाई मॉडल देख लो कितनी प्यारी लगती है देखने में, बट खैर परफॉर्मेंस कैसा रहता है चलो देखते हैं। ओके एंड कहा जाता है यार इसमें लाइक फॉर्चुनर जैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलती है हमें, जो पुरानी वाली 2021 वाली मतलब 2020 वाली फॉर्चुनर लाइक परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। ओके यहाँ पे अटकी थी गाड़ी, तो यहाँ पे हमारी तो यार इनोवा तो नहीं अटकी है, एंड हम लोगों ने 20 फीट पार कर दिया, अब 30 फीट की बारी है भाई साहब, यहाँ पे तो लहर उठ रहे हैं। ओके ऑलराइट, बट ये भी क्लियर हो गया, 30 फीट भी इजीली क्लियर हो चुका है। ओके इनोवा क्रिस्टा को दिक्कत नहीं हो रही भाई, बड़ी गाड़ी है ना यार, यहाँ पे तो एडवांटेज रहेगा। 45 फीट, लेट्स गो गाइस, देखते हैं क्या होता है अब। ओके यार लैंड वाइंड चमक रही है भाई वहाँ पे रेड रेड, बट ओ भाई साहब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में गाड़ी, बट गाड़ी चालू है, गाड़ी चालू है। ओके एंड यहाँ पे गाइस यार काफ़ी तगड़ा नहीं, ओके गाड़ी मेरे कंट्रोल के बाहर है, थोड़ा बहुत ब्रेक लग जाएगी, लेकिन यार इंजन बंद हो चुका है, वो देखो आप पी पे आ चुका है। एंड जैसे कि मैंने कहा था गाड़ी थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है, बट यहाँ पे इनोवा क्रिस्टा ने ये चैलेंज कर दिखाया काफ़ी प्यारे तरीके से, तो यहाँ पे टोयोटा को एक पॉइंट दिया जाएगा इनोवा क्रिस्टा की वजह से। तो गाइस यार इनोवा क्रिस्टा ओपी, स्पैम कर दो अगर आपको इनोवा क्रिस्टा पसंद है तो, यार लिटरली मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि यार इनोवा ऐसी गाड़ी है ना यार लिटरली, जो यार मतलब फैमिली गाड़ी तो है ही, साथ ही साथ यार पुलिस वगैरह में भी काम आ जाती है, ठीक है मतलब ये क्या कहते हैं इंडिया में। तो खैर काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस इनोवा क्रिस्टा को, टोयोटा को यहाँ पे एक पॉइंट दिया जाएगा। अब चलते हैं महिंद्रा की गाड़ी को ट्राई करने हैं। स्कॉर्पियो S11 भाई साहब क्या लगता है गाइस ये गाड़ी को दिक्कत होगी, चलो देखते हैं। द बिग डैडी ऑफ SUV ऑफ ऑल टाइम ब्रांड न्यू स्कॉर्पियो S11 यार
ओके वैसे यार आप लोगों को मैं बता दूं, स्कॉर्पियो की जो S3 S4 सीरीज है ना वो तक अभी तक यार यूज में आती है, तो ये S11 तो टॉप मॉडल है अभी अभी वाली। और यहाँ पे गाइज यहाँ पे कुछ ज़्यादा पानी था बट क्रॉस हो गया, अब आ रही है 30 फीट की। ओके मेरे को थोड़ा डर भी लग रहा है बट ये पार हो सकता है। ओके और राइट यार नहीं दिक्कत होगी भाई, स्कॉर्पियो यार SUV गाड़ी है, SUV यार तो बिग डैडी ऑफ SUV यार, स्कॉर्पियो को कैसे कुछ हो सकता है यार इतना छोटा सा चीज़ में। अब ये 45 फीट है, संभल के रहना होगा। ओके फुल स्पीड और राइट 200 के स्पीड में पार हुआ है बट गाड़ी का इंजन बंद हो गया भाई। अभी तक एक भी गाड़ी मतलब यार यहाँ पे देखो पी पे आ जाती है ना, वो जो आप स्पीड देख रहे हो ना वहाँ पे पी लिखा जाता है, मतलब इंजन बंद हो चुका है। गाड़ी यार उस पे चल रही है, क्लच पे चल रही है कह सकते हो, मतलब ऑटोमेटिकली लुढ़क रही है कह सकते हो सिंपल भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे इनोवा कहते हैं यार, स्कॉर्पियो भी यहाँ पे इस चैलेंज को पार कर चुकी है बट काइंड ऑफ यार अच्छे ही चैलेंज था, मज़ा आ गया। यहाँ पे एक और पॉइंट महिंद्रा को दिया जाएगा, मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है महिंद्रा की पॉइंट की, एंड यहाँ पे महिंद्रा का एक पॉइंट है एंड टोयोटा का एक पॉइंट है। काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11 का। स्कॉर्पियो OP इन द चैट। वैसे स्कॉर्पियो S11 तो हो चुकी है, स्कॉर्पियो एंड अभी बाकी है मेरे दोस्तों। चलो चलते हैं टोयोटा की फॉर्च्यूनर को ट्राई करते हैं यार। अब बारी आ जाती है हिलक्स की, टोयोटा की वन ऑफ द बेस्ट पिकअप कार, जैसे महिंद्रा की हमारी बुलेरो कैंपर है वैसे यहाँ पे टोयोटा की हिलक्स है भाई। देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है यार, फॉरेन में बहुत ज़्यादा इसे यूज़ किया जाता है, इंडिया में यार बुलेरो ही ज़्यादा काम में आती है। ओके ऑल राइट यार, दिक्कत तो मुझे कहीं पर दिख नहीं रही अभी तक फिलहाल बट यार लहर कुछ ज़्यादा ही उठ रहे हैं। ओके ऑल राइट, गाड़ी पूरी डूब रही है, उम्मीद करता हूँ पार हो जाए यार। ओके भाई साहब पार हो गया यार, अभी तक गाड़ी बहुत तगड़ा परफॉर्म कर रही है, उम्मीद करता हूँ यार आगे भी ऐसे ही परफॉर्मेंस दिखाया। ओके यार आखिरी गड्ढा है, काफ़ी प्यारा जंप बट ये जंप भारी पड़ सकता है। ओके भारी नहीं पड़ेगा। ओ शेट, गाड़ी बंद हो चुकी है यहाँ पे बंद हो चुकी है। टोटल सस्पेंशन काम कर रहा है प्योरली साइड का। ओके सस्पेंशन काम कर रहा है लेकिन गाड़ी का इंजन टोटली फ्रीज हो चुका है। तो गाइज यार यहाँ पे टोयोटा की तरफ से आने वाली हिलक्स ये चैलेंज में फेल हो चुकी है प्योरली, एंड भाई साहब यार यहाँ पे टोयोटा को मिलते हैं 0 पॉइंट। अब चलते हैं अगली महिंद्रा की गाड़ी को ट्राई करने हैं। अब बारी आ जाती है गाइज यार XUV700 की भाई, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ रोडिंग कार ऑफ महिंद्रा यार, लिटरली भाई बहुत ज़्यादा फेमस है XUV, अपने नाम के लिए जाने जाती है लाइक ऑफ रोडिंग, क्रॉस ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉस रोडिंग के नाम पे। बट यार आज के इस चैलेंज पे देखते हैं क्या होता है। 20 फीट चैलेंज, लेट्स गो। ये भी क्रॉस काफी इजिली 30 फीट, देखते हैं। ओके यहाँ पे दिक्कत, गाड़ी उछल चुकी है, गाड़ी बंद है गाइस, लिटरली गाड़ी बंद है, गाड़ी उछल चुकी है। ओके हाँ गाड़ी बंद हो चुकी है टोटली यहाँ पे गाइस यार, XUV700 डूब चुकी है, लिटरली पूरी की पूरी डूब चुकी है भाई। यहाँ पे इसको दो ट्रैक और पार करना था, लाइक उससे पहले यहाँ पे इसने धोखा दे दिया कह सकते हो आप। तो गाइस यार XUV700 का गेम ओवर होता है, महिंद्रा के अभी भी एक ही पॉइंट है एंड ये वाले राउंड पे महिंद्रा को पॉइंट नहीं दिया जाएगा। चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करने। अब बार आ जाती है गाइस यार टोयोटा की तरफ से आने वाली फॉर्चुनर, एंड यार ये मेरा पहला प्यार है कह सकते हो यार। फॉर्चुनर के ऊपर मेरा कब इंटरेस्ट आना चालू हुआ था, जब मैंने इसको ही अपने गेम में लाया था, लाइक लिटरली इससे पहले मुझे फॉर्चुनर पसंद ही नहीं थी, मतलब उतना नॉलेज नहीं था, बट ये गाड़ी पहली थी जिसके बाद मुझे लिटरली फॉर्चुनर गाड़ियाँ पसंद आने लगी थी। ओके ऑल राइट यार, जीरो दिक्कत, एंड भाई साहब गाड़ी तो कूद रही है भाई। ओके पार इजिली पार, लेकिन ये थोड़ा चीटिंग सा हो गया, हम लोग को हर चीज़ से पानी से ले जाना है क्योंकि यार फॉर्चुनर में बहुत पावर होता है, आराम से हम लोग कुदा सकते हैं, बट वाटर टेस्ट इज द मेन टास्क ऑफ दिस वीडियो। चलो भाई भगाते हैं। ओके पानी को तो चीरते हुए यहाँ पे फॉर्चुनर निकल रही है, बताओ गाइज, एंड यहाँ पे चैलेंज हो चुका है, एंड यहाँ पे पहली गाड़ी टोयोटा की तरफ से आने वाली जो कि पूरी चालू है, इसका इंजन बंद नहीं हुआ, देख लो भाई वहाँ पे R लिखा नहीं, यहाँ पे 1 है, देख लो यार गाड़ी पूरी चालू है, लाइक यार इसका इंजन बंद नहीं हुआ। अगर आप पीछे की गाड़ियों को देखोगे तो उनका इंजन बंद हो गया था सभी गाड़ियों का अभी तक जितना ही मैंने ट्राई किया है, लाइक पी पे आके रुका था, बट यहाँ पे पहली फॉर्चुनर गाड़ी ने ये चैलेंज को कर दिखाया विदाउट इंजन लॉस हुए। तो गाइस यार फॉर्चुनर OP स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में, वो भी दिल या फिर आग के साथ। तो चलो चलते हैं महिंद्रा की गाड़ी को ट्राई करने, लेट्स गो।
यार अब बारी आ जाती है बुलेरो कैंपर की एंड देखते हैं यार ये कैंपर कैसा परफॉर्म करती है। लाइक इंडिया में तो इसे पिकअप भी कहा जाता है, लाइक ज़्यादातर लोग इसे पिकअप ही कहते हैं यार मतलब इंडिया में। बट खैर यार अब किस्मत बहुत अच्छा लग रहा है गाड़ी का। ओके डायरेक्टली पानी पे। ओके क्लियर हो गया जीरो दिक्कत गाइस क्लियर हो गया। ओके इसे क्लियर करना है बस। एंड भाई साहब ये भी क्लियर। भाई यार बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई महिंद्रा की कैंपर यार लिटरली। अब यहाँ देखते हैं क्या होता है। ओके काफ़ी अच्छा स्पीड पकड़ा है गाड़ी ने। हो जाएगा। एंड भाई साहब बुलेरो कैंपर यहाँ पे दूसरी गाड़ी निकलती हुई जो कि बंद नहीं हुई है अभी तक। एंड यार अब बुलेरो कैंपर ओपी स्पैम कर दो कमेंट सेक्शन में यार महिंद्रा लवर यार फटाफट से बुलेरो कैंपर ओपी इन द चैट कमेंट सेक्शन में स्पैम हो जाए भाई। काफ़ी तगड़ा परफॉर्मेंस यार बुलेरो कैंपर का मज़ा आ गया भाई लिटरली यार। यहाँ पे दो गाड़ियाँ मिल चुकी है जो कि विदाउट इंजन लॉस यहाँ तक पहुँची है। वो एक है बुलेरो कैंपर एंड दूसरी है टोयोटा फॉर्चूनर। चलते हैं अगली टोयोटा कार को ट्राई करते हैं। एक और फॉर्चूनर की बारी आ जाती है गाइस बट ये लेटेस्ट वाली है लाइक 2021 मॉडल आई गेस। देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। मैं इसका कलर चेंज करना है गाइस मुझे ये मतलब वाइट कलर करना है कर दूंगा। चलो यार आप मेरे को कोई नया कलर बताओ यार। रेड हो गया ब्लैक हो गया वाइट हो गया ब्लैक कलर की तो एक है मेरे पास ग्रीन कर दूँ क्या क्या बोलते हो गाइस कौन सा कलर कर दूँ इसे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके ऑलराइट यार फॉर्चूनर जैसी गाड़ी को ऐसे छोटे मोटे चैलेंजर्स में दिक्कत होती है गाइस मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं है। देखना तो दूर की बात है सुना तक नहीं है मैंने गाइस। तो यहाँ पे यार फॉर्चूनर फेल हो जाए ऐसा तो सवाल ही नहीं उठता। एंड यार काफ़ी इजीली यहाँ पे फॉर्चूनर तीसरा लेवल भी पार कर देगी फुल स्पीड। ओके विदाउट इंजन लॉस यहाँ पे टोयोटा फॉर्चूनर ने ये चैलेंज कर दिखाया वो भी गाइस इतने परफेक्टली परफेक्शन के साथ भाई मज़ा आ गया। यहाँ पे टोयोटा की दो पॉइंट हो गया ब्रेक। ओके ब्रेक थोड़ा सा गलत लगा बट खैर कोई बात नहीं। काफ़ी प्यारा यार यहाँ पे फॉर्चूनर का परफॉर्मेंस यार दोनों फॉर्चूनर का साइज देखो ना गाइस कितना अंतर है। वो 2019 वाली है एंड हमारे पास जो है वो लेटेस्ट वाली है लाइक लिटरली भाई साइज़ का बहुत ज़्यादा अंतर दिख रहा है मुझे यहाँ से तो। एंड ये छोटा सा है मतलब ये वाला बड़ा है और स्मॉल लाइट से थोड़ा सा छोटा कर दिया गया इसको ऐसा लग रहा है ठीक है। बट खैर जो भी कहो यहाँ पे टोयोटा लीड कर रही है एक पॉइंट से। चलते हैं महिंद्रा की कार को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है गाइस यार महिंद्रा की ऑल न्यू स्कॉर्पियो एंड द बिग डैडी ऑफ एसयूवीज यार लिटरली यार सभी गाड़ियों की बाप है ये कह सकते हो। लाइक यार इसका नाम ही नहीं पता यार बिग डैडी ऑफ एसयूवी क्यों बोला जाता है स्कॉर्पियो को। मतलब पता है मुझे एसयूवी की किंग है परफॉर्मेंस के मामले में हर चीज़ में बट यार लिटरली भाई डैडी वर्ड यूज़ करना यार थोड़ा सा मुझे अजीब सा लगता है। बट खैर यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यार डैडी ऐसा परफॉर्मेंस तो देखने को ऑफ कोर्स हमें स्कॉर्पियो की गाड़ियों में दिख ही जाता है। महिंद्रा की थार को ले लो भाई महिंद्रा की कितनी तगड़ी गाड़ी है लाइक थार एंड स्कॉर्पियो में तो स्कॉर्पियो की S11S। ओके यहाँ पे थोड़ा दिक्कत एंड गाड़ी बंद हो गई है। गाड़ी बंद हो चुकी है गाइस स्कॉर्पियो एंड बट फिर भी क्लच के भरोसे यहाँ पे गाड़ी को चलाया जा रहा है। एंड भाई साहब कर लेगी गाड़ी थोड़ा सा आगे और। ओके ऑलराइट ब्रेक लग गए ना। ओके लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही धुआं मुझे गाड़ी को सेटल करना पड़ेगा बट फिर भी गाइस यार काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार यहाँ पे स्कॉर्पियो एन की तरफ से देखने को मिलता हुआ। लाइक मुझे लगा था ये गाड़ी को दिक्कत होगी बट यार दिक्कत थोड़ी सी हुई लाइक गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई थी एंड इंजन तो बंद हो ही गया था बट फिर भी गाड़ी ने ये चैलेंज कर दिखाया भाई साहब मज़ा आ गया। चलते हैं अगली टोयोटा की कार को ट्राई करते हैं। लेट्स गो लेजेंडर की बारी आ जाती है गाइस यार वन ऑफ द फेमस ऑल टाइम यार कार जो कि मुझे बहुत प्यारी लगती है देखने में तो रेड एंड ब्लैक कलर की है। बट यार ऑफ कोर्स ये गाड़ी ऐसी है ना गाइस लेजेंडर को आप कोई भी जगह ले जा करके क्या कहते हैं ऑफ रोडिंग या नॉर्मल रोड के मज़े भी ले सकते हो। लाइक यार बेस्ट चीज़ है टोयोटा की लेजेंडर और फॉर्चूनर लाइक ये दोनों गाड़ियाँ ना यार अगर आपके पास है तो आपको चिंता करने की बात ही नहीं है भाई ना ऑफ रोडिंग ना क्रॉस ऑफ रोडिंग ना नॉर्मल रोड भाई बस माइलेज का दिक्कत है थोड़ा सा बाकी गाड़ी एक नंबर है भाई साहब। ओके यार यहाँ देखते हैं क्या होता है फुल स्पीड जीरो दिक्कत नहीं दिक्कत हुई है गाड़ी का इंजन बंद हो गया गाड़ी पी पे आ गई है बट फिर भी यार अपने आप को संभालते हुए यहाँ पे लेजेंडर ये चैलेंज को करने वाली है। ओके थोड़ा सा आगे और यार सस्पेंशन भी ढीला लग रहा है मुझे। ओके अब गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है मैं गाड़ी को रिवर्स नहीं कर सकता हूँ तो
तो यार मुझे यहीं पे रोकना पड़ेगा एंड चलो रिवर्स कर लेते हैं यार। अगर यार इंजन बंद हो जाता है ना और हम लोग गाड़ी को एक बार भी रोक देते हैं ना, तो गाड़ी वहीं पे खड़ी के खड़ी बंद हो जाती है, ठीक है। तो यार ये वही दिक्कत यार फॉर्च्यूनर के साथ भी हुआ था 2020 एडिशन, जो कि वहाँ पे जस्ट ऊपर में जा करके बंद हो गई थी वहाँ पे। बट खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे यार क्या कहते हैं टोयोटा एक पॉइंट से लीड कर रही है, लाइक यार लेजेंडर है इनके पास एंड बाकी गाड़ियाँ तो है। अब चलते हैं टोयोटा महिंद्रा की गाड़ी को ट्राई कर रहे हैं, स्कॉर्पियो S10। भाई साहब स्कॉर्पियो S11 को तो ट्राई कर लिया हमने, वो तो द बिग डैडी ऑफ SUV तो है ही, बट यार S10 जो है वो भी भाई कम नहीं है यार। मैंने इससे नहीं पता क्या सोच के ये संतरा वाला कलर दे दिया है, बट यार फिर भी दिखने में काफ़ी प्यारी लग रही है। चलो भाई ओके ओके आराम से, काफ़ी प्यारा जंप यार, ओके जीरो दिक्कत यार, दिक्कत वगैरह तो मुझे दिख नहीं रही गाड़ी में बिल्कुल भी। ऑलराइट एंड क्रॉस हो गया, पानी भी क्रॉस हो चुका है। ऑलराइट चढ़ने में दिक्कत यार, ये गाड़ी तैर नहीं रही। महिंद्रा की जो स्कॉर्पियो S11 और N जो है वो सीरीज बहुत तगड़ा तैरती है, एंड यार पुरानी वाली स्कॉर्पियोस भी तैरती है एंड यार ये तैरी नहीं, बट यार पानी के नीचे से चीरते हुए निकली है। एंड गाइस गाड़ी ने तो ये चैलेंज कर ही दिया, भले इंजन बंद हो गया लेकिन थोड़ा सा आगे और जाना है बस। वहाँ पे महिंद्रा की गाड़ियाँ खड़ी है एंड एक ब्रेक देते हैं, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया, मुझे लगा था ब्रेक नहीं लगा था, बट खैर यहाँ पे काफ़ी प्यारा यार स्कॉर्पियो S10 का परफॉर्मेंस देखने को मिलता हुआ। अब चलते हैं भाई साहब आखिरी आई गेस टोयोटा की कार को ट्राई करने, जो कि लैंड क्रूजर है। देखते हैं गाइस वो पानी को झेल पाती है या पानी उसको झेल पाता है। चलो भाई अब यार अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता ही होगा, लाइक कल की वीडियो में लैंड क्रूजर ने बहुत ही था भाई परफॉर्मेंस दिखाया था लैडर क्लाइंब वाली वीडियो पे। अगर आपने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो आप जाके जरूर देखना, लाइक लैंड क्रूजर का परफॉर्मेंस भाई अगर आप मिस कर दोगे ना बहुत ही गंदा पछताओगे, लाइक बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस था। लैडर क्लाइंब चैलेंज आपको मजा भी आएगा। फिलहाल अभी देखते हैं क्या होता है। ओके सस्पेंशन भाई साहब कल तो देख के मैं शॉक रह गया था, बट खैर आज की वीडियो पे सस्पेंशन भी काम को लेना है एंड साथ ही साथ अगर टोयोटा की कार है तो। ओके गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस इतना कम हो जाता है, लाइक देखना गाइस यार गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस कितना कम हो जाता है, ठीक है एक टप कम है, वो देखो गाड़ी उठी हुई है ना, ये देखो गाइस कितना ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है भाई साहब। ओके पार हो गया, गाड़ी चालू है, प्योरली चालू है एंड भाई साहब यहाँ पे क्या कहते हैं लैंड क्रूजर ने ये चैलेंज काफ़ी इजीली कर दिखाया भाई साहब। यहाँ पे एक और गाड़ी आती हुई बिना बंद हुए भाई साहब, लैंड क्रूजर OP इन द चैट यार, लिटरली भाई मेरे को नहीं पता यार कुछ दिनों इतना लैंड क्रूजर में बहुत प्यार आ रहा है, लाइक यार ये गाड़ी इतना तबाही परफॉर्मेंस कर रही है ना यार लिटरली एक दो दिनों से बहुत मज़ा आ रहा है। खैर अब आखिरी गाड़ी बची रह गई है महिंद्रा की, देखते हैं वो कितना पॉइंट बना पाती है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कितना कितना पॉइंट हो चुका है टोयोटा का, टोटल यहाँ पे 5 पॉइंट हो चुका है जिनमें से एक ही गाड़ी खाली फेल हुई है एंड और ये गाड़ी को मैं पास कैसे कर दिया यार, ये गाड़ी पास है ना, हाँ ये गाड़ी पास है। चलो यहाँ पे 5 पॉइंट है एंड महिंद्रा की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट है, ठीक है। अब महिंद्रा की एक गाड़ी बची है जो कि थार, एंड यार थार तो ऑफ कोर्स ये चैलेंज को कर लेगी बिना किसी दिक्कत के, तो चलो उसे ट्राई करते हैं। यार आप मानो या ना मानो डेड ट्रैक्स फैमिली और डेड ट्रैक्स को हमेशा से पता है, लाइक जो थार है ना गाइस दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ रोडिंग कार है एंड ये गाड़ी के सामने आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये गाड़ी उसे चीर करके ज़रूर से आगे निकलती है। एंड यार कल की वीडियो पे तो लैडर क्लाइंब पे ये गाड़ी पलट गई थी, बट फिर भी यार अपने आप को कंट्रोल किया इसने एंड उसके बाद भी रैंप के ऊपर से जंप किया, लिटरली भाई थार को सैल्यूट है। कल की वीडियो का बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग थी, अगर आपने नहीं देखी तो जा करके देखा बहुत मज़ा आएगा। फिलहाल यार थोड़ा सा और बाकी है एंड थार को देखते हैं, थार के बाद वैसे कुछ और गाड़ियों को भी ऐड करेंगे। वैसे गाड़ी मुझे लग रही है गई हो चुकी है। ओके और राइट गाड़ी का इंजन बंद हो गया है, थार का इंजन बंद हो गया है भाई, थार क्यों इतना स्ट्रगल कर रही है यार। ओके बट स्पीड पकड़ रही है, स्पीड पकड़ रही है ओके, लेकिन थार स्ट्रगल कर रही है भाई, लिटरली थार स्ट्रगल कर रही है। ओके अभी तो एक पानी और पार करना है भाई लोग, इतना थार सस्पेंस क्यों बना दिया यार। ओके पार हो गया थार स्पीड भगा पकड़, स्पीड जीतना है तुझे भाई, पूरे महिंद्रा लवर की आंखें तुझ पर टिकी हुई है भाई साहब। ओके पार हो गया, पार हो चुका है गाइस यार, यहाँ पे
महिंद्रा के पॉइंट एंड टोयोटा के पॉइंट्स इक्वल हो चुके हैं। मुझे लगा था यार महिंद्रा ही जीतेगी, लिटरली स्टार्टिंग में मैं जब वीडियो बना रहा था तभी सोच लिया था, क्योंकि यार महिंद्रा की ज़्यादातर गाड़ियाँ तैरती है यार, तो पानी को सपोर्ट करती है महिंद्रा की गाड़ियाँ टोयोटा के कंपैरिजन में। टोयोटा की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लैंड क्रूजर और लेजेंडर जैसी गाड़ियाँ खाली पानी को सपोर्ट करती है, बाकी नहीं करती है। तो गाइस यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फिलहाल अभी और गाड़ियों को टेस्ट करना है, कहाँ जा रहे हो, रुको यार, अभी तो जी वैगन है, थार वैगन है, टाटा हैरियर है, टाटा रॉल्स रॉयल्स है, और भी सारी गाड़ियां, चलो उन्हें ट्राई करते हैं, लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, मैंने यहाँ पे 6 गाड़ियों को ऐड किया है, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे पहली है जी वैगन मर्सिडीज की G63 एंड मतलब 360 एंड यहाँ पे है डिफेंडर 1992 एंड यहाँ पे टाटा हैरियर है, फोर्ड एंड यूवर है, जीप रूबीकॉन है, गोल्डन रॉल्स रॉयल्स है। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भाई जी वैगन से, ओके, क्योंकि जी वैगन एक स्पोर्ट्स कार है, लाइक यार स्पोर्ट्स कंपनी की कार है, स्पोर्ट्स कार तो नहीं बोलेंगे वैसे। देखते हैं क्या ये इतनी भारी वेलकम गाड़ी लाइक ये चैलेंज को कर पाएगी यार। ओके, अब तक तो जीरो दिक्कत, गाड़ी बल्कि उड़ रही है यार, पानी पे तो ऐसा लग रहा है लाइक यार पानी कुछ है नहीं इसके लिए। रुको यार, अच्छे से चलते हैं, पानी को अभी पार करते हैं, ठीक है। ओके, काफी इजीली भाई जी वैगन तो एकदम मक्खन बटर की तरह चैलेंज को पार कर रही है, पानी से तो ऐसे निकल रही है जैसे पानी से इसका पहले से नाता। ओके, थोड़ा सा आगे और लेट्स गो। वैसे मेरा गेम को क्या हो रहा है, मुझे कुछ करना होगा। ओके ऑलराइट, काफी प्यारा यार जी वैगन का परफॉर्मेंस यार, थोड़ा सा आगे और बस। ओके, एक ब्रेक एंड यहाँ पे गाइज यार जी वैगन भी पहुंच चुकी है, बट इसका भी इंजन बंद हो चुका है। तो गाइज यार काफी प्यारा जी वैगन का परफॉर्मेंस यार, मुझे लगा था दिक्कत होगी, बट यार गाड़ी मर्सिडीज की है तो कहाँ से दिक्कत होने वाली है। चलते हैं अगली, टाटा हैरियर है आई गेस, यार डिफेंडर है, चलो उसे ट्राई करते हैं। डिफेंडर की बारी आ जाती है गाइज, यार क्या लगता है ये डिफेंडर ये चैलेंज क्यों कर पाएगी। वैसे इसका पीछे का गेट क्यों खुला हुआ है यार। ओके, गाड़ी के छोटे चक्के हैं, दिक्कत दिख रही है मुझे, लाइक इसके चक्कों को देखो गाइस कितने छोटे हैं यार। ओके, इधर से दिखेंगे, देखो एकदम ब्लैक कलर के हैं तो उतना पता नहीं चल रहा, बट 20 फीट लेवल है ये तो छोटा सा है। ओके, बट फिर भी गाड़ी डूब जा रही है यार, छोटे चक्के हैं ना तो यहाँ पे दिक्कत होती है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पानी। ओके, पानी नहीं है, किस्मत है, किस्मत है गाइज, किस्मत है, टोटल किस्मत है। ओके, 45 फीट, लेट्स गो, सबसे डीप है ये। ऑलराइट, फुल स्पीड। ओके, गाड़ी निकल गई एंड गाड़ी अब कंट्रोल के बाहर है, नहीं चल रही मेरे से। एंड गाइज यार यहाँ पे लैंड रोवर डिफेंडर का गेम यहीं पे समाप्त होता है, लाइक लिटरली मुझे लगा था ये चैलेंज कर लेगी, बट यहाँ पे गाड़ी फेल हो चुकी है, लाइक लिटरली यार मुझे लगा था पॉइंट मिलेगा बट फेल है। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करते हैं, टाटा हैरियर, लेट्स गो। भाई टाटा की गाड़ियाँ तो यार आप लोगों को पता ही है ना, लाइक पानी को तो आराम से झेल लेती है, टाटा की गाड़ियाँ महिंद्रा की गाड़ियों को आसानी से टक्कर दे सकती है यार, लिटरली भाई मैंने बहुत सारे चैलेंजेस में देखा है और अज्यूम भी किया है। ओके ऑलराइट, जीरो दिक्कत यार, थोड़ा सा आगे और जाना है। ओके, पानी पार, भाई साहब गाड़ी को तो यहीं पे दिक्कत हो रहा है एंड टाटा हैरियर जाएगी लग रहा है, बंद हो जाएगी लग रहा है। ओके, बहुत ओके, बंद हो गई भाई यार, ये तो 10 मतलब क्या कहते हैं तीसरा 30 लेवल पे ही डूब चुकी है, मुझे लगा था आगे तक जाएगी, नहीं 30 नहीं यार, हाँ 30 तक ना, हाँ 30 लेवल पे यहाँ पे टाटा हैरियर का गेम समाप्त हो चुका है एंड भाई गाड़ी गेम के बाहर है, कोई बात नहीं, मज़ा बहुत आया। चलते हैं अगले गाड़ी को ट्राई करने यार, टाटा हैरियर का समाप्ति दिख चुकी है, चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने। अब बारी आ जाती है यार वन ऑफ दी आइकॉनिक कार यार, जो कि इंडिया में बैन है बट फिर भी इसके लोग दीवाने हैं, फोर्ड एंड्यूवर भाई, पर्सनल फेवरेट यार मुझे यार, अगर आप बोलोगे टोयोटा फॉर्च्यूनर और एंड्यूवर में एक चॉइस लो तो मैं एंड्यूवर के ऊपर हाथ रख के एंड्यूवर को यार खुशी खुशी अपना लूंगा, ठीक है। ओके यार, इस गाड़ी की ना सस्पेंशन की मैं फैन हूँ भाई, लिटरली यार ये गाड़ी का सस्पेंशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके ऑलराइट, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है एंड्यूवर, पानी को ढकेलते हुए चीरते फाड़ते हुए निकलती है। ओके, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी का इंजन अभी भी चालू है, वो भी फुल पावर में भाई, गाड़ी ऐसी दहाड़ रही है ना यार, लिटरली जंप देखो 45 फीट से, फुल स्पीड डाउन एंड काफी इजीली क्रॉस, भाई साहब गाड़ी का इंजन बंद नहीं हुआ। यहाँ पे एक और हम लोग के सुपर
विनर मिल चुकी है जो कि बंद नहीं हुई भाई साहब। एंड्यूअर ओपी यार, लिटरली मुझे पता है यार, एंड्यूअर की जितनी तारीफ करूँ कम है। एंड्यूअर यहाँ पे ऑटोमेटिक पार्क हो गई भाई। ये तो मैंने जानबूझ के नहीं किया, अपने आप गाड़ी कैसे कैसे घूम गई। एंड मैंने कुछ कुछ गाड़ी को हटा दिया है, बट फिर भी एंड्यूअर का परफॉर्मेंस काफ़ी प्यारा था, मज़ा आ गया। चलते हैं अगली गाड़ी को ट्राई करने, जो कि आई गेस कौन सी गाड़ी है, चलो देखते हैं। ओ भाई साहब, यहाँ पे है मॉन्स्टर ट्रक जैसी परफॉर्मेंस देने वाली भाई जीप रूबिकॉन। यार आप इसे मॉन्स्टर ट्रक भी कह सकते हो, बट यार ये जीप की प्योर ऑफ रोडिंग कार है यार, मज़ा आ जाता है भाई। अगर मैं जंगल सफारी के ऊपर वीडियो बनाऊँ ना, अच्छा आइडिया है गाइस, क्या बोलते हो? ओके तो पार हो गई लग रहा है मुझे। नहीं, पार नहीं हुई। ओके भाई, लिटरली मुझे लगा था पार हो गई थी, बट पार नहीं हुई। बराबर ले चलते हैं, फुल स्पीड, ये भी पार। ओके, आराम से एंड फुल स्पीड। ओ भाई साहब, यहाँ पे लेकिन गाड़ी बंद हो चुकी है, पी पे आ गई है, मतलब यार गाड़ी का इंजन बंद हो गया। इंजन में पानी कैसे भाई, ऑफ रोडिंग गाड़ी। अच्छा, सामने में ही इंजन का वो है दिया है, तो कई गाड़ी तो बंद होनी थी। बट गाइज यार, यहाँ पे ब्रेक भी काम नहीं कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जीप वरेंगल रूबिकॉन डूब चुकी है भाई साहब। बट ये गाड़ी विनर है, तो मैं इसे उठा देता हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। ओके, ऑलराइट, सीधा कर देते हैं। ऑलराइट यार, सीधी ठीक है, हम लोग भी बाहर आ जाते हैं। काफ़ी प्यारा परफॉर्मेंस यार जीप रूबिकॉन का। चलते हैं अब यार अगली एंड द लीस्ट, जो लास्ट कार है रॉल्स रॉयल्स डॉन, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। आखिरी गाड़ी गोल्डन रॉल्स रॉयल्स यार, जिसे ट्राई करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन दबा करके डेड ट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन नहीं किया, तो आप बहुत बहुत तगड़ा चीज़ मिस कर रहे हो, क्योंकि यार हम लोग ऐसे अमेजिंग कंटेंट रोज लाते रहते हैं। एंड ऐसे कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाले, आई एम डैम श्योर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो फिलहाल यार देखते हैं यहाँ पे रॉल्स रॉयल्स कैसा परफॉर्म करती है। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो गाइस यार, इतना कोई बंदा रिक्वेस्ट कर रहा है तो कर लेना चाहिए यार, डेट्रैक्स फैमिली को ज्वाइन कर लो यार, पैसे थोड़ी लगते हैं यार। बाकी बंदे तो मेंबरशिप देते फिरते हैं यार 400-500 रुपए का, या तो फ्री है भाई सब कुछ। ओके, ऑलराइट यार, सब अच्छा चल रहा है। ओके, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है यार, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई। एंड यार, रॉल्स रॉयल्स का एक बहुत बढ़िया फैक्ट है, ये सबसे महंगी गाड़ी है, द मोस्ट लग्जीरियस कार इन द वर्ल्ड यार। एंड लग्जीरियसनेस दिख रहा है इसका, पानी को चीरते हुए जिस हिसाब से निकली है ना भाई, लिटरली इसी से पता चलता है जब रॉल्स रॉयल्स कंपनी ने इस गाड़ी को बनाया है, तो यार पूरा देख सुन के बनाया है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, एंड वहाँ पे भी हम लोग उतना तगड़ा स्पीड पे थे, बट फिर भी यार यहाँ पे मज़ा आ गया भाई, फील है यार, रॉल्स रॉयल्स इज लिटरली लव भाई यार, मुझे अच्छी लगती है गाड़ी ये, गोल्डन रॉल्स रॉयल्स तो और अच्छी। बट खैर, आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना। अगर आपने अभी तक और वीडियोज़ नहीं देखी मेरी तो जा करके आप देख सकते हो, पहली बार आया हो तो यार जाके देखना जरूर, मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि भाई इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, मज़ा नहीं आया तो पूरे पैसे वसूल। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे, टिल देन बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल गाइस। एंड स्क्रीन में दो वीडियो है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इन्हें दो में से कोई देख लो, मजे करो। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पे, टिल देन लव यू ऑल गाइस, बाय।